कि मैं पैसों के पीछे ज़्यादा ही भाग रहा था, तभी ये सब हो रहा है। अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहा है तू? तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, और तू कहे तो फिर मैं बात करूँ भाभी से? अरे नहीं, तुझे क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? श्वेता, आई डोंट थिंक डिवोर्स इज द ओनली वे। तुम और भी कुछ कर सकती हो, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन यार। पर इसका नहीं है, मैं कभी मान के ड्रीम्स नहीं पूरे कर सकती। हमारे रिलेशन का सबसे टफ पार्ट था व्हेन शी वाज फीलिंग एफर्टलेस। ये स्टेज क्यों आई आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। सबसे पहले वहाँ चलते हैं जहाँ से ये रिलेशन शुरू हुआ। ओ भाई, सेल्फी बाद में खींच लियो, कुछ खाने चले? नहीं, मेरा मन नहीं। कुछ खा लिया करो यार, साथ में दिमाग खाते रहते हो। मैं आपका दिमाग खाती हूँ? मतलब कभी कभी, शादी के बाद ना मुझे 3 दिन का खाना मिलना चाहिए, सुबह शाम। जिसका नाम है माई 11 सर्कल, जहाँ तो अपनी क्रिकेट नॉलेज और स्किल्स की वजह से 1 करोड़ रुपए तक जीत सकता है। क्या बात कर रहा है भाई, माई 11 सर्कल पे गेम खेलना तो बहुत ही ज्यादा इजी है। खेल रही 2 टीमों में से अपने खुद के 11 बंदे चूज करो और अपनी खुद की टीम बनाओ। अच्छा, और सबसे तगड़ा फीचर पता क्या है कि तो उसके अंदर राणे सर, लक्ष्मण सर, गांगुली सर, वॉटसन और राशि जैसे चैंपियन के साथ भी खेल सकता है। वाओ। और भाई तुझे तो पता ही है अभी इंडियन T20 लीग और भी कई सारे क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, सो अगर तू माई 11 सर्कल का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता है तो बहुत सारा कैश प्राइस और 1 करोड़ वीकली जीत सकता है। और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको 1500 का एक्स्ट्रा बोनस एंड 20% एक्स्ट्रा कैश कन्फर्म मिलेगा। सो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं से डाउनलोड करना। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। मैं भी डाउनलोड करता हूँ भाई, जल्दी कर ले। जिस हिसाब से तेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना, तुझे लड़की नहीं मिलनी। वाह भाई साहब, ऐड खत्म हो गई तो वापस आ गए। चलो मैं चलता हूँ, तुम एंजॉय करो। ओके बाय बाय। तुम ज़्यादा नहीं बोलते कुछ। अच्छा श्वेता सुनो ना, मैं क्या कह रहा था कि हमें टाइमली शादी कर लेनी चाहिए। मतलब मैं सुबह ऑफिस जाऊँ और फिर रात को थका हारा घर आऊँ और फिर आप मुझे बोलो जी खाना तैयार है, अब प्लीज़ खा लो ना जी। अच्छा तुम शादी के बाद मुझे जी जी बोला करोगे क्या? क्यों नहीं, मैं बोलूँगी ना जी खाना तैयार है, आप खाना खा लीजिए ना जी, आप थके हुए आए होगे, आपका सर दबा दूँ जी, आपके कपड़े धो दूँ। हाँ कपड़े वाला ठीक है, कपड़े धो दिया करना। हो मेरा पहला प्यार तुसी तू है जानदा, सानू कठे आनू होगे किन्ने साल। मैनू दूजी वारी प्यार होया सोनिया, दूजी वार भी होया है तेरे नाल। मैनू दूजी वारी प्यार होया सोनिया, दूजी वार भी होया है तेरे नाल। हाय वे दूजी वार भी होया है तेरे नाल, हाय वे दूजी वार भी होया है तेरे। ओहो हो हो, इतना सोना। ओ यार मम्मी, ओ मेरी कुछ तो तारीफ कर दिया करो, ये तो मैं इतना सोना ऊपर कुड़ी नहीं सोनी लेके आया मैं, ये तो आपने ना शादी में जाके मेरा स्वयंवर कराना था कि भैन जी आ देखो मेरा मुंडा, ये दारू जमा ही नहीं पींदा, चिकन ले, ये तो इन्हें कदे देखा ही नहीं, हुण मैं चंगी कुड़ी देख के इहदा ब्याह करा देना। खुश तो मैं उदो होंगी जब तू मैनू दादी बनाएगा। ले ऐदा कि तो दादी बना देवा, जब मैं पैदा हुआ था तो आपने थोड़ा एफर्ट किया होगा या नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आ रही मम्मी से कैसे बात कर रहे हो? ले इसमें शर्म वाली क्या बात है, अगर मम्मी ने शर्म की होती तो मैं थोड़ी पैदा होता। इन्हें शर्म कितनी आती है, ये तो बेशर्म है। सब बहुत अच्छा चल रहा था, आई वाज फीलिंग द मोस्ट लकीएस्ट, बट ऐसा किस रिलेशन में होता है जहाँ सिर्फ प्यार हो
नो फाइट्स। यस सर, मैं आपको अपलोड करके व्हाट्सएप पर लिंक भेज देता हूँ। ओके, गुड नाइट सर, स्वीट ड्रीम्स। यू नो व्हाट मैन, आप आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो। जब तक हो सारा दिन ऑफिस में काम, फिर घर आके भी। शादी से कम टाइम तो देते थे। शादी से पहले जिम्मेदारियाँ भी तो नहीं थी यार, क्या करना है इतने पैसे कमा के जब हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मैंने क्या ही करना है पैसों का, आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर फ्यूचर। आई डोंट वांट कि जो कमियां मैंने बचपन में फील की हैं वही कमियां मेरा बेबी फील करे, राइट? इतनी दूर की सोच रहे हो, वो भी उसके लिए जो अभी तक आया भी नहीं है और जो यहाँ पे है उसको टाइम तक नहीं दे पा रहे हो। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, कम से कम थोड़ा और टाइम तो स्पेंड हो जाता। अब तो नो मूवीज, नो वेकेशंस, नथिंग, नो डिनर डेट्स। जब आपका मन करे ना सोच लो। मिडिल क्लास का लड़का हूँ ना, तो ये इश्यूज तो कॉमन है हमारी लाइफ में। आगे चुक ले आया तुम, पर देख तो लो आगे चुक ले आया। शॉपिंग करने लग गया। कोई नहीं, आज तो कल करनी है। भले वो दुनिया में नहीं आया पर उसकी शॉपिंग तो कर ही सकता हूँ ना। मैं मार्केट में घूम रहा था, मुझे क्यूट लगा, मैं ले आया। तू बिना कुछ भी। क्या तू बिना कुछ भी, आप भी कुछ कर लो। मेरी दादी ने मेरी 4-10 स्वेटर सिले थे और आपने इसके लिए एक भी नहीं सिला। तेरे बाप ने मैंने वो फैशन डिजाइन का कोर्स कराया ना, इसलिए। पापा ने तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवा ही देना था, पर आपके फैशन तो खत्म हो पहले। मम्मी जी मैं तैयार हूँ। तैयार किसके लिए? अभी लेकर आई हो तो इसके साथ कोई खेलने वाला भी तो चाहिए। और आप भी ना स्वेटर बनाने सीख ही लो। मान, आपको बाकी लोगों की तरह दिक्कत तो नहीं हमारी लड़की हो या लड़का? ओ कम ऑन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी लोगों की सोच भी बहुत जल्दी बदल जाएगी। ऑल आई वांट इज कि हमारा बेबी। आई एम डाइंग टू हियर द वॉइस। आई लव यू। आई लव यू टू। पता है, आई फील वेरी सैड फॉर दोस्त जो ये सोच रखते हैं कि हमें लड़का हो या लड़की हो। यार तुम वैग्रो की अरदास करोगे, आपको एक हेल्थी बच्चा हो। एक मिनट, हेल्थ तो तुम्हारी भी अच्छी होनी चाहिए। सो आज से आपकी डाइट मैं प्लान करूँगा कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तुम बेबी प्लान कर पाएंगे। लकी। हाँ, यू शुड बी। हेलो लकी, आपको भी फील करना चाहिए जो आपके पास मैं हूँ। कह सकते हैं। पता नहीं कैसे और कब हमारी खुशियों को हमारी नज़र लग गई। पर डॉक्टर कोई तो भी होगा ना। आई एम सॉरी श्वेता, पर मैं ऐसे कैसे नहीं कंसीव कर सकती। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आई हैव चेक्ड योर रिपोर्ट्स एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट, बट आप मदर नहीं बन सकते। जल्दी भाई, बहुत जल्दी चाचा बन जाएगा तू। यस वी आर प्लानिंग, फिलहाल तो कोई गुड न्यूज़ नहीं है, बट वाहेगुरु ने चाहा तो बहुत जल्दी चाचा बनेगा। हाँ ज़रूर, वाहेगुरु सब बढ़िया ही करेगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जितना एक्साइटेड तू शादी के लिए लग रहा था उससे भी ज़्यादा तू एक्साइटेड बच्चे के लिए लग रहा है। हाँ यार, एक्साइटेड तो बहुत हूँ, पूछ ही मत, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं। मैंने क्या ही करना है पैसों का, आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर अवर फ्यूचर। आई डोंट वांट कि जो कमियां मैंने बचपन में फील की हैं वही कमियां मेरा बेबी फील करे, राइट? एक मिनट, हेल्थ तो तुम्हारी भी अच्छी होनी चाहिए। सो आज से आपकी डाइट मैं प्लान करूँगा कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तुम बेबी प्लान कर पाएंगे।
कम ऑन श्वेता, हम किसी और डॉक्टर से तो बात कर सकते हैं। कोई फायदा नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत डॉक्टर से मिल चुकी हूँ। कृतिका, सच तो ये है, मैं कभी माँ ही नहीं बन सकती। सो व्हाट्स अ बिग डील, अडॉप्ट तो कर सकती हो। मंजीत से एक बार बात तो करके देखो, तुम कहो तो मैं बात करती हूँ। मान का बहुत मन है कि उनका एक बेबी हो। आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल हिज ड्रीम्स जस्ट बिकॉज ऑफ मी। भाई मंजीत, एक सन और तेरा डिवोर्स। यार हर लड़का ना लाइफ में ये फील ज़रूर लेना चाहता है कि उसका एक छोटा सा बेबी हो और वो उसको तोतली आवाज में पापा बोले, ये नहीं हो पाएगा। सुन भाई, सोच ठंडे दिमाग से सोच ले भाई, सुन ले बारी। भाई देख मानव, आई कांट। सुन एक बार और सोच ले प्लीज। Love you. I don't need a baby. हाँ बस कभी बेबी की कमी महसूस हुई तो तुम मेरे बेबी बन जाना, पर मैं किसी और का नहीं हो पाऊँगा श्वेता। I'm sorry. I love you. एक मिनट, अगर आपने मुझे पहली बार देखा है ना तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके मुझे प्यार देना, कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट बताना और वीडियो को शेयर सबके साथ कर देना, मतलब सबके साथ कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ओके। और ये मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, यहाँ पर आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं बात करता रहता हूँ बीच बीच में। एंड माय 11th सर्कल को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और कमेंट में पिन भी किया हुआ है। लव यू।